भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मतगणना के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिले में शांतिपूर्ण मतगणना कराने की बात कही है। भिंड जिले की 5 विधानसभाओं की मतगणना, ITI भिंड और दतिया जिले की 3 विधानसभाओं की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में होगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की मतगणना और ETPBS की स्कैनिंग प्रारंभ हो जाएगी। सुनिए भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मतगणना से जुड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी। मतगणना स्थल है जिसका भ्रमण आप लोगों को कराया जा चुका है, वहाँ पर होगी 5 विधानसभाओं की, 3 विधानसभाओं की मतगणना दतिया में होगी। जो शेड्यूल है वो इस प्रकार है कि सुबह 7 बजे पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम खोला जाएगा अभ्यर्थियों की उपस्थिति में, अभ्यर्थी या उनके इलेक्शन एजेंट। 7:30 बजे EVM का स्ट्रांग रूम खोला जाएगा अभ्यर्थी या उनके इलेक्शन एजेंट की उपस्थिति में। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की मतगणना प्रारंभ की जाएगी और 8:30 बजे से EVM की मतगणना प्रारंभ की जाएगी। EVM की मतगणना के लिए फर्स्ट फ्लोर सभी 5 के लिए पृथक पृथक हॉल है, जिसमें लाहार भिंड अटेर और गोहत का ग्राउंड फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर पर महगांव का है। महगांव का जो कक्ष है उसी में एक कक्ष पृथक से बनाया गया है जिसमें ETPBS की और पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। मतगणना कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ, ये सभी प्रतिबंधित रहेंगे। प्रवेश द्वार सभी के लिए पृथक पृथक बनाए गए हैं। 2 प्रवेश द्वारों से मतगणना का जो ड्यूटी में कार्मिक लगे हुए हैं, मतगणना का स्टाफ, वो प्रवेश करेगा। 2 दूसरे प्रवेश द्वार हैं, उनसे अभ्यर्थी, उनके एजेंट, उनके मतगणना एजेंट और मीडिया प्रवेश करेगा। इसी बार की तरह ही मीडिया का एक कक्ष रहेगा जिसमें हम कम्युनिकेशन की सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। वहाँ तक आप अपना मोबाइल भी उपयोग कर सकेंगे और आपको अलग से वहाँ इंटरनेट की कंप्यूटर देंगे। यदि आपको प्रेषण करना हो किसी को अपनी समाचार वगैरह का, तो वहाँ से प्रेषित कर सकेंगे। जो मतगणना होनी है उसमें अटेर में 21 टेबल लगाइए, 14 राउंड में मतगणना पूर्ण हो जाएगी। भिंड में भी 21 टेबल है, 15 राउंड लगेंगे। लाहार में 18 टेबल, 17 राउंड लगेंगे। महगांव में 21 टेबल, 16 राउंड लगेंगे और गोहद में 16 टेबल, 18 राउंड लगेंगे। अगर सबसे लंबी हमारी गोहद की 18 राउंड चलेगी तो सबसे पहले 14 राउंड की अटेर की पूर्ण हो जाएगी। ETPBS और पोस्टल बैलेट की गणना, जैसा कि हमारा अनुमान है क्योंकि आप सभी जानते हैं, पोस्टल बैलेट तो गिनती शुरू से प्रारंभ हो जाएगी। ETPBS को पहले स्कैन करना पड़ेगा, स्कैनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब उनकी गणना प्रारंभ की जाएगी। तो ये मेरा अनुमान है कि 2 बजे तक हम इसको संपन्न करा लेंगे।